बात करेंगे बात सबसे पहले प्रयागराज की, जहां श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही अर्धिका से जुड़ी ये बड़ी खबर है। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी, कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने को लेकर सुनवाई होगी। कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश पहले दिया जा चुका है, कोर्ट पहले ही यह आदेश दे चुका है। दोपहर 2 बजे सर्वे का स्वरूप हाईकोर्ट तय करेगा। तो बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बताते चले, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही अर्धिका से जुड़ी ये बड़ी खबर। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में से लेकर सुनवाई होगी, कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने को लेकर सुनवाई होगी। कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश पहले दे चुका है कोर्ट और दोपहर 2 बजे सर्वे का स्वरूप हाईकोर्ट तय करेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह से जुड़ा यह मामला, इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी, कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने को लेकर सुनवाई होगी। खबर पर सारा जानकारी के साथ संवाददाता मानवेंद्र हमारे साथ जुड़े। मानवेंद्र, बेहद महत्वपूर्ण दिन, बेहद बड़ा दिन श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह से जुड़ा हुआ, क्या कुछ आज रहने वाला है, अभी क्या कुछ अपडेट, कब तक सुनवाई? जी देखिए, पिछली डेट पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो कोर्ट कमीशन है उसको उसका स्टेटस तय होना था, यानी कौन कोर्ट कमीशन होगा, कैसे मथुरा का जो शाही ईदगाह परिसर है उसका उसकी उस पर कोर्ट कमीशन की कार्रवाई होगी, कितने लोग टीम में शामिल होंगे, एसआई के लोग होंगे, कहाँ के लोग होंगे, तो जो एक स्ट्रक्चर बनता है जो कोर्ट कमीशन का उसको तय होना था। लेकिन उसी दौरान सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चला गया, तो सुप्रीम कोर्ट में 9 तारीख को इस मामले की सुनवाई थी, तो 9 तारीख को सुनवाई होने के चलते हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को टाल दिया था, क्योंकि दूसरा पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया था। तो हाईकोर्ट ने कोर्ट कमीशन की कार्रवाई के लिए अगली डेट जो है वो 11 जनवरी यानी आज की तय की थी। तो आज इस पूरे मामले पर अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई अड़चन नहीं आई तो निश्चित तौर पर जो कोर्ट कमीशन की कार्रवाई है वो होगी, और जो कोर्ट कमीशन है उसका स्ट्रक्चर, उसका उसका प्रारूप एक तरह से वो बनाया जाएगा, तय किया जाएगा कौन लोग उसमें शामिल होंगे, कब होगी, कितने समय के लिए होगी, क्या क्या कार्रवाई उसमें होनी है, तो ये सारी चीजें कोर्ट में तय होनी है। अब देखना ये होगा कि इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी शायद 16 जनवरी को सुनवाई है, तो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को लेकर अगर हाईकोर्ट फिर आगे की कोई डेट देता है तो हो सकता है कि सुनवाई टल जाए, लेकिन फिलहाल आज सुनवाई की डेट लगी है, तो इस बात की भी संभावना है, क्योंकि तमाम जो वकील हैं उनका कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि आज इस मामले पर सुनवाई हो जाएगी। तो ये देखना होगा कि आज इस पूरे मामले पर क्या कोर्ट कमीशन का स्टेटस, यानी उसका जो प्रारूप है, उसका जो उसकी जो रूपरेखा है उसको तय करता है, या फिर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के चलते इस पूरे मामले की सुनवाई टल जाएगी। तो दिन में आज इस पूरे मामले पर एक बार फिर से हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, आगे की कार्रवाई क्या होती है ये आज दिन में तय हो जाएगा। जी चलिए, तमाम जानकारियों के लिए बहुत